स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल डिटरमिनेट्स। लास्ट हमने टू फैक्टर पढ़े थे, अब हमारे टू फैक्टर और रहते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजिकल डिटरमिनेट्स का मतलब मेरी बात कि कुछ फैक्टर हमारे साइकोलॉजी पर भी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी है, जिसे फर्स्ट हम ले लेते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आप सभी लोगों को पता है, मोटिवेट होना, किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, सामने वाले बंदे को चाहे वो परचेज करने के लिए मोटिवेट करना या किसी भी चीज़ के लिए कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना, तो वो आपका क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, जो मोटिवेशन है वो हमारा मेन इफेक्ट डालता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार कंज्यूमर क्या होता है, किसी चीज़ को परचेज करने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन जैसे जो आपके जो सेल्समैन होते हैं वो उन्हें उस काम को करने के लिए क्या कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। तो मोटिवेशन भी इफेक्ट डालता है हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर में। कई बार क्या होता है, हम कंज्यूमर को बार बार ऐड दिखाते रहते हैं, प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में बताते रहते हैं, जिससे कंज्यूमर क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होते हैं। ये आपने अपनी लाइफ में भी यूज़ किया होगा, कई बार हम ऐड वगैरह देख रहते हैं तो हमारे इतना ध्यान नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट से हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, देन हम उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोटिवेशन है। देन है आपका परसेप्शन बोध। देखिए, परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन का मतलब सिंपल में हिंदी में जाने तो धारणा होती है। धारणा का मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ के बारे में स्टार्टिंग से ही परसेप्शन कर लिया। जैसे इन्होंने बोला कि फॉरेन गुड्स बैड्स, तो ये हमारे मन में धारणा बैठ गई कि फॉरेन गुड्स अच्छा ही होता है। तो किसी प्रोडक्ट पर अगर हम फॉरेन का मार्क लगा हुआ देख लेते तो हम सोचते हैं हाँ, ये गुड्स बढ़िया होगा। तो ये हमारी परसेप्शन होती है। परसेप्शन मतलब जैसे यह होता है, या आप ये कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम हर एक बंदे को मोटिवेट करते हैं, ऐड दिखाते हैं, प्रोडक्ट के यूज़ के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। लेकिन हर बंदे का डिफरेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। हर बंदे को जरूरी नहीं कि वो चीज़ मोटिवेट करे। हर जो जितने भी आपके कंज्यूमर होंगे उनका डिफरेंट बिहेवियर होगा, डिफरेंट थिंकिंग होगी, डिफरेंट साइकोलॉजी होगी, तो इट मीन्स मोटिवेशन आपका डिफरेंट होगा। तो वही इसमें, इसलिए हम इसमें किसका यूज़ कर रहे हैं, परसेप्शन का। परसेप्शन का मतलब जिसने धारणा बना ली वो वही चीज़ करेगा। जैसे मान लो प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारी क्या परसेप्शन होती है कि प्रोडक्ट हमेशा फ्रेश होना चाहिए। जैसे खाने पीने की वस्तुओं का हम मान लेंगे हमें फ्रेश चाहिए। अभी आपकी परसेप्शन है तो आप कभी भी वो नहीं करोगे कि आप ये नहीं करोगे कि जो फ्रेश नहीं है आप उसको परचेज कर लो, क्यों, ये आपकी परसेप्शन है। प्राइस से रिलेटेड परसेप्शन हो सकती है, आप सोच सकते हैं कि जो लो क्वालिटी, जो लो प्राइस का प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी बेटर नहीं होती। ब्रांड के बारे में परसेप्शन हो सकती है। तो परसेप्शन किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। देन आपकी इमेज। देखिए, जो आपका इमेज और परसेप्शन सेम है, लेकिन थोड़ा वो डिफरेंट है। जितने भी आपके पॉइंट्स आएंगे वो लगभग सेम है, क्योंकि साइकोलॉजी पूरी सेम होती है। ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझना आसान नहीं है, तो ये भी आपका सेम है, बस थोड़ा वो डिफरेंट होगा। इमेज के बारे में होता है कि किसी प्रोडक्ट के हमारे मान लीजिए माइंड पर वो एक छाप छोड़ जाता है वो प्रोडक्ट। जैसे कई बार होता है ना कि कोई प्रोडक्ट हमने बहुत पहले यूज़ किया हुआ है, लेकिन वो हम प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद आता है, वो हमारे माइंड में इस तरह से मतलब कहते हैं ना कि एक वो माइंड में बैठ गया कि हाँ भाई वही चीज़ बेटर है। तो वो होती है इमेज। जैसे सेल्फ इमेज भी हो सकती है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया। सेल्फ इमेज का मतलब हमारी खुद की इमेज हो सकती है। जैसे कि आप सेल्फ इमेज में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जैसे मान लो टीचिंग में ले लीजिए, एक पीजी टीचर और एक कॉलेज टीचर, उनके बिहेवियर में उनकी इमेज में डिफरेंस होगा, उनका परचेजिंग पावर अलग होगा, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट इमेज हो सकता है कि गुड और बैड, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके माइंड में बैठ गया क्या हमें गुड है या बैड है, जो भी एक बार इमेज आ गई इस तरह ब्रांड के बारे में, ठीक है। लर्निंग का मीनिंग आपको पता है, सीखना, हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस ही होता है, एक्सपीरियंस के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लर्निंग, ये उन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस भी हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को कैसे चेंज करती है, कई बार हम किसी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस में आते हैं, दूसरे बंदों को उन प्रोडक्ट को यूज़ करता हुआ देखते हैं, तो हम उस चीज़ में उस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लर्निंग है, यानी लर्निंग भी आपकी क्या करती है, कंज्यूमर के बिहेवियर पर अफेक्ट डालती है। देखिए, आप सोच भी रहे होंगे कि ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, इनमें डिफरेंस करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक बार आप बुक से स्टडी करोगे, थोड़ा सा अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैम सेम पॉइंट्स बता रही सभी में, लेकिन जब आप पढ़ोगे एक लाइन तो उसमें आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो लर्निंग हो गया। एटीट्यूड का मतलब भी वही बात आ गई। देखिए, सारे बिहेवियर के पॉइंट आते हैं, परसेप्शन हो गया, इमेज हो गई, लर्निंग, एटीट्यूड। इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी फीलिंग हो सकती है, चाहे वो उसके फेवर में भी हो सकती है और अनफेवर में भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी सोच ले, हल्दीराम का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वहाँ का एक प्रोडक्ट तो हम बेटर मान लें और दूसरा प्रोडक्ट बेटर ना माने,
तो वो आपका एटीट्यूड हो गया। बिलीफ का मतलब भी वही बात होगी, विश्वास कि किसी ब्रांड पर आपका विश्वास है, किसी प्रोडक्ट पर आपका विश्वास है, किसी कंपनीज पर आपका विश्वास है। तो पर्सनैलिटी, देखिए पर्सनैलिटी तो आपका मेन वो है, पर्सनैलिटी तो इफेक्ट डालती डालती कंज्यूमर की बिहेवियर की। पर्सनैलिटी का मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा, किस टाइप के आप, कंजर्वेटिव है, कंजेस्टेड है आप। देखो सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, रहने सहने का तरीका अलग होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है, तो वो भी हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं कि हम किस तरह का रह रहे हैं, किस तरीके से हम खाने पीने का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, कितना हम एक्सपेंस करते हैं उस चीज़ पर। तो ये सारा किस्म आ जाएगा आपका पर्सनैलिटी में। और एनवायरनमेंट तो आपका इफेक्ट डालता ही डालता ही, तो आपने एनवायरनमेंट के फैक्टर भी पढ़े हुए होंगे फर्स्ट ईयर में। एनवायरनमेंट टू टाइप का होता है, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। एनवायरनमेंट में आपके सारे आ जाएंगे, टेक्निकल एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है कंज्यूमर के बिहेवियर पर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है, तो वो सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है। देन आया आपका पर्सनल डिटरमिनेंट्स, कुछ पर्सनल फैक्टर भी है जो कंज्यूमर के बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं। जब मेन तो इनकम है, तो आपको सभी को पता होगा कि इनकम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिहेवियर में। सबसे पहला इफेक्ट कौन डालता है, इनकम डालता है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद है, हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी उतनी इनकम नहीं होती। तो अगर इनकम हमारी ज़्यादा तो हम प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम कम है तो हम कम खरीदेंगे, ठीक है। एज भी फैक्टर है, एज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ चीज़ें हम एज के अकॉर्डिंग करते हैं, एज के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे खिलौना खरीद खिलौने पसंद करेंगे। जैसे बच्चे थोड़े बड़े होंगे, वो जैसे यंग होंगे तो यंग एज की चीज़ें यूज़ करने लग जाएंगे, ओल्ड एज में आएंगे तो ओल्ड एज की चीज़ें यूज़ करने लग जाएंगे। तो इस तरह एज भी एक फैक्टर होता है, एक एज होती है जिस एज के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती है, और जब वो एज डाउन हो जाती है तो हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो जब हमारा जो कंज्यूमर का बिहेवियर, वो एज के इफेक्ट भी डालेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहें, कॉस्मेटिक का बिजनेस आप करना चाहें, तो आप सोचोगे कि भाई कॉस्मेटिक तो लगभग सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए इतना यूजेबल नहीं है। तो इस तरह से एज हमारा फैक्टर इफेक्ट करता है। देन एजुकेशन, एजुकेशन भी इफेक्ट डालते हैं। एक एजुकेटेड बंदे और एक अनएजुकेटेड बंदे, दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस होगा, दोनों की लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होगा, दोनों की पसंद नापसंद में डिफरेंस होगा, ठीक है। प्रोफेशन में मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, कुछ लोग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही परचेज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि एक एडवोकेट है वो ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद करेगा, एक डॉक्टर है वाइट कलर के ज़्यादा पसंद करेगा, तो एक प्रोफेशन हो जाता है। टीचर है वो सिंपल लुक में आना पसंद करेगा, तो ये सारी चीज़ें। और लाइफ स्टाइल तो मेन फैक्टर है कि आप किस तरह की मतलब जीवन जीते हैं, किस तरह का आपकी थिंकिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं। आप ये सोचते हैं मुझे अपने आप के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है, तो वो लाइफ स्टाइल में सारा आ जाता है, ठीक है। रोल एंड स्टेटस भी हमारे उस पर इफेक्ट डालता है। देखिए रोल एंड स्टेटस का मतलब क्या है, हर एक पर्सन का एक स्टेटस होता है, अपने जो घर में रहता है वो एक भूमिका निभाता है, ठीक है। कभी जैसे मान लीजिए आप बच्चे तो एक बच्चे की भूमिका निभा रहे हैं, बड़े हो गए तो बेटे की भूमिका निभा रहे हैं, बाद में मैरिड हो गए तो हस्बैंड की भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह मतलब हमारा जो रोल है वो चलता रहता है, और रोल के अकॉर्डिंग भी हमारी जो डिमांड है ना प्रोडक्ट का, जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम हर एक चीज़ की डिमांड करते हैं, हमें ये भी खरीदना, ये भी खरीदना, टॉयस। थोड़े से हम मेच्योर होने लगते हैं तो हम डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। हम बच्चों के लिए ज़्यादा सोचना पसंद कर देते हैं। तो इस तरह से रोल और स्टेटस भी हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट डालता है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और मैंने पहले बताया ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका डिटरमिनेंट्स ही है, और इनको पढ़ के देखना, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।